ताला खोलना नहीं, हटाना नहीं, आज मैं बंद करा, बंद अपना सरकारी जो है नहीं, हमें नहीं, नहीं बंद कर, बंद करो, बंद करो, नहीं बोलो, कोई भी नहीं बोलो। कानपुर के गगन में अपने गुरूर की गर्दन गड़ाए गर्व से खड़ा रहने वाला ये जेड स्क्वायर मॉल आज बेड़ियों में जकड़े जाने के बाद कानपुर की पहली महिला यानी मेयर प्रमिला पांडे के सामने गिड़गिड़ा रहा है। नए साल के आगाज के साथ ही इसकी मनमानी का अंत मेयर प्रमिला पांडे ने मॉल सील करके कर दिया है। बेहद तेज तर्रार प्रशासक के रूप में विख्यात मेयर कानपुर के विकास के लिए मानो घोड़े पर सवार हैं। लाख नोटिसों के बाद भी मनबड़ जेड स्क्वायर मॉल ने नगर निगम का करीब 13 करोड़ का टैक्स नहीं भरा था तो मेयर ने 30 रुपए के ताले से इसकी मनमर्जी को बेड़ियां पहना दी। मॉल की मनमानियों का हिसाब ऑन द स्पॉट करने पर बिलबिलाए मॉल के लोगों ने जब मेयर को कानून और कोर्ट कचहरी का रौब झाड़ा तो उन्हें इनकी ही जबान में मेयर ने कैसे टाइट किया आप भी देखिए। ये दीजिए 50%, मैं अभी चली जाऊं। मैडम आप कैसे नहीं, आप कोर्ट गए हो, जो कोर्ट आपका है वही कोर्ट महापौर के लिए भी है, ऐसा तो नहीं कोर्ट आपका है कोर्ट हमारा भी है, हम भी कोर्ट जाएंगे आपके खिलाफ, आप जाना है आप जाओ, हम बात करेंगे नहीं, अब अगर आप करोगे तो हम नहीं करेंगे। आइए चलो एकदम, अगर आपकी कमाई में होती तो हम तुमसे पैसा मांगने नहीं आते, आप तो हम कभी नहीं आते आपके पास, आपकी कमाई हो रही है मेरे नगर निगम का पैसा देखना। कानून का ताला लगाने से पहले जेड स्क्वायर मॉल को नगर निगम की फौज के साथ पहुंची मेयर प्रमिला पांडे ने बकायदा खाली कराया। बंद करो, जाओ बंद करिए, निकलिए। चलो जाइए आप अपना आराम से घर जाइए, हाँ बंद करो। मॉल को सील करने से पहले ये तस्दीक की गई कि बिल्डिंग के भीतर कहीं कोई फंसा न रह गया हो। इसके बाद जेड स्क्वायर मॉल के गेट को खुद मेयर प्रमिला पांडे ने अपने हाथों से बंद किया, गेट पर ताले भी लगवाए, सील भी करवाया और ये तस्दीक भी की कि कानून की राह में कोई रोड़ा न बनने पाए। ताला खोलना नहीं, हटाना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज़।